लव यू मम्मी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, तो अंदर मैंने इसके अंदर क्या लिखा है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं मेरे न्यू शूज खरीदने, क्योंकि मैं बैडमिंटन क्लास जाता हूँ और बैडमिंटन में स्पोर्ट्स शूज लेने होते हैं। तो फिर अभी हम स्पोर्ट्स शूज ही लेने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास स्पोर्ट्स शूज ही नहीं थे। कौन सा सॉन्ग आर्यन का फेवरेट है बताओ, जब तक हम पहुंच रहे थे। तो एक एक अपना सॉन्ग बताओ फेवरेट। पठान। हाँ ये तो मैं भूल गया कि ये तो आर्यन का फेवरेट सॉन्ग है। हाँ तो गा के बताओ मुझे। नहीं जल्दी सुनो। नहीं नहीं नहीं। आईने देख रहे हो कितनी सारी पेंटिंग्स है। हाँ, ना ये अंकल ने बनाई है। यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ो। हाँ। क्या लिखा है पढ़ो। हर वॉइस हर स्ट्रेंथ। वेरी गुड। और ऐसे पढ़ते जाओ। दिस लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। आर्यन कौन से कलर के शूज लेने का मन है। ब्लू है? आर्यन के पास ब्लू है नहीं है शूज। ब्लू नहीं है, ब्लैक है, व्हाइट है। ब्लैक दिए कुछ भी। ब्लैक है ना, स्कूल शूज दिए ब्लैक। फिर ब्लैक है, व्हाइट है, स्कूल शूज है ना। हाँ बट शूज तो है। और है अच्छा नॉर्मल शूज। नॉर्मल शूज कौन से कलर के चाहिए आपको। ब्लू के अलावा ब्लू भी देखेंगे। सोचो रेड। ओके ग्रीन ओके। एक दो कलर और बताओ। फिर सारे कलर हो जाएंगे। बट सबसे फेवरेट कलर कौन सा है इनका। ब्लू। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लू कलर के शूज देखेंगे। पहुंच ही गए वैसे हम लोग। एक मिनट, अरे मेरे पे पीछे रह गया स्कूल। हाँ सो हम फाइनली पहुंच गए। अब देखते हैं आर्यन को कौन से शूज पसंद आते हैं। आर्यन ये क्या कर रहा है। तो हम लोग आ गए डीकैथलॉन में। सो बैडमिंटन सेक्शन तो ये है, बट यहाँ पे जो शूज़ हैं वो मोस्टली मुझे बड़ों के दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ शूज़ हैं बट ये सारे बड़े हैं, कोई छोटे नहीं दिख रहे मुझे। आर्यन ये वहाँ खेलने में बिजी हो गया। ये लो और ये लो। मेरी टर्न चलो मारो। मेरी टर्न सही है। थोड़ा वहां पे आके देखो, लूज तो नहीं है। ठीक है ले लें ये वाले। ठीक है चलो। मैं बता दो कि मेरे शूज कैसे हैं। तो ये रहे मेरे शूज। इतने ब्लू है थोड़ा सा, बड़ा इनको शायद पूरे ब्लू चाहिए थे, बट इससे भी ब्लू है। लेसेस ब्लू है एंड सोल ब्लू है। ठीक है तो कोई बात नहीं। तो हम ऑलमोस्ट घर पहुंच गए और घर पहुंचते आर्यन गए सो। कल मार्केट से आने के बाद प्लान था हमारा शाम को एक और जगह जाने का, बट फिर हम शाम को कहीं गए नहीं बिकॉज थोड़ा थक गए थे और फिर आर्यन भी सो गया था। तो कल तो कहीं गए नहीं, लेकिन आज शताक्षी जा रही है बैंगलोर और अभी आर्यन सुबह से बहुत देर से वहाँ बैठ के शताक्षी के लिए कुछ बना रहा है। मैं दिखाता हूँ। आर्यन कुछ कार्ड बना रहा है मम्मा के लिए। क्या बना रहा है बेटा। कार्ड। अभी बनने के बाद दिखाएगा। हाँ अभी कितने। हमारे एक कार्ड बचा हुआ है वो उसका। अच्छा यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, वेरी गुड। अभी अभी कितना बचा है। अभी एक स्माइल ही बना दिया। ठीक है बना लो आराम से। ठीक है उसके बाद दिखाएंगे। पहले मुझे खोल के दिखाओ क्या क्या बनाया आपने। मैंने एक लिखा है। दिखाओ क्या लिखा, खोल के दिखाओ। बस मदर की स्पेलिंग गलत लगती। कोई बात नहीं। मदर आई मेक फॉर यू। इधर दिखाओ। ओके मॉम आई लव यू। अब मैं इसके अंदर मैंने लेटर भी रखा हुआ है, मैं आपको वो पढ़ के दिखाता हूँ।
डियर मॉमी, मॉम आई नो यू आर बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर माय फेवरेट मम्मा। और मैंने पिक्चर्स भी बनाई है, दिखाओ। ये क्या है? हैज अ हार्ट स्माइली और एक एक्सप्रेशन। नाइस। और दूसरा दिखाओ। और अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। तो फ्रॉम इंडिया आर्यन, अब मैं आपको रीड करके बताता हूँ। आई लव यू मम्मी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर मैंने इसके अंदर क्या लिखा है। ज्यादा फुल कर दिया ना, ज्यादा फुल कर दिया ना, कोई बात नहीं। डियर मम्मी, मम्मा आई मिस यू, आई नेवर फॉरगॉट यू, आई लव यू मम्मा, मम्मा माय ब्यूटीफुल मम्मी। और मैंने कुछ खास भी बना दिया। नाइस, वेरी गुड आर्यन। मम्मा को कब दोगे? मैं देने वाला हूँ। देने वाले? चलो वापस से पैक करे थे, मम्मा को देंगे फिर, ठीक है। सो कैब आ गई है और अब सुधाखी जा रही है एक हफ्ते के लिए। ये लो भैया, थैंक यू। तो अभी कुछ टाइम पहले मैं गया था और सुधाखी यहाँ पे खड़ी थी, और आज सुधाखी जा रही है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो इस ब्लॉग को आप यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। It's true.